जी तो बच्चों, 14 अगस्त सबको मुबारक हो। आपको पता है पाकिस्तान कब वजूद में आया? जी मैं बताऊं? हाँ बोलो। 14 अगस्त 1947 को। शाबाश, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आप लोग मुझे ये बताओ, वो कौन सा सितारा है जो अपनी जगह नहीं बदलता? मैं बताऊं? बोलो। कुतुबी सितारा, बिल्कुल ठीक है। और कुतुबी बेटा, सितारा जो है वो एक नहीं, वो कई मिलके बने होते हैं। दुमदार सितारे की दुम किस चीज़ से बनी होती है? गैस से। बेटा पहले परमिशन लेते हैं फिर जवाब देते हैं। स्यारे में किस स्यारे को मुल्क का सिपाही कहते हैं? मरीख को। वेल डन बच्चों, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, शाबाश। अब मैं आपको 14 अगस्त के बारे में कुछ बताऊंगी। जी तो बच्चों, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया की एक अजीम तरीन इस्लामी सल्तनत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर ज़ाहर हुआ और कायदे आज़म रहमतुल्ला अलैह इसके पहले गवर्नर जनरल बने। क्या में पाकिस्तान का मकसद ये था कि इस इलाके में इस्लाम और मुसलमानों के वजूद की हिफाजत की जाए, यहाँ इस्लामी माशरा और इस्लामी हुकूमत कायम की जाए, मुसलमान अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें और तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहद किया जा सके। क्या में पाकिस्तान के वक्त बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ये ना, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है। इसके 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान का पहला दारुलहुकूमत कराची था, लेकिन बच्चों अब इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची इसकी इलाकाई ज़ुबानें हैं। पाकिस्तान में तलीम अब आम हो रही है। पाकिस्तान की फ़ौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। ये फ़ौज जज्बाए खिदमत वतन से सरशार है और पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। मैम मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जी बेटा पूछें।